यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और धर्मशाला से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिलाओं की फेसबुक आईडी हैक करके कॉल गर्ल्स बनाने का ये मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं की फेसबुक आईडी हैक कर कॉल गर्ल्स बनाने का मामला है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला मंडली प्रेस वार्ता करेगी इसको लेकर के। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर फेसबुक आईडी हैक की जाती थी पहले महिलाओं की, और उसके बाद कॉल गर्ल्स बनाने का मामला यहाँ पर सामने आया है। धर्मशाला से बड़ी खबर है, तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ ही देर में महिला मंडली जो है वो प्रेस वार्ता करेंगी, और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर महिलाओं के फेसबुक अकाउंट को हैक किया जाता था और उसके बाद कॉल गर्ल्स बनाने का मामला सामने आया है, और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस अब पूछताछ करेगी कि क्या किसी और मामले में भी ये जो आरोपी हैं ये जुटे हुए हैं, क्या महिलाओं के फेसबुक आईडी हैक करने के अलावा भी और घिनौने कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी खबर धर्मशाला से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं की फेसबुक आईडी को हैक करके कॉल गर्ल्स बनाने का मामला सामने आया है और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और कुछ ही देर में महिला मंडली जो है वो प्रेस वार्ता करने वाली हैं।